से YouTube की फैमिली अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। जैसे कि आपको पता है किचन क्लोजअप का मकसद है कि आपके पास नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करना मजेदार किस्म के। आज हमने बनाए स्ट्रॉबेरी जेली क्रीमी डेजर्ट, बहुत मजेदार सा। ये देखिए किस कदर रिच सा बना, ये देखें इतना जबरदस्त सा बना है, माउथ मेल्टिंग है, जबरदस्त सी ये रेसिपी, जरूर ट्राई करनी है। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके चलते हैं मजेदार सा स्ट्रॉबेरी क्रीमी डेजर्ट बनाना। स्ट्रॉबेरी क्रीमी डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है, उसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप चीनी। दूध में अच्छे से जब उबाल आ जाए फिर आपने इसमें डाल देनी है, या चीनी को कम या ज्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। चलें इसको 1 से 2 मिनट तक विस्क कर देते हैं। चलें मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया था, 4 टेबल स्पून दूध में हमने इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया था। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है, आप चाहे तो वनीला फ्लेवर में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी जेलो डेजर्ट बना रहे हैं तो इसलिए हमने स्ट्रॉबेरी यूज किया है फ्लेवर। अब इसको विस्क की मदद से मिक्स करते जाएंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया, हमने मुस्तकिल विस्क से इसको चलाए 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। एक टिप आपको देती चलूं इसी दरमियान, जब भी आप कस्टर्ड इसके अंदर ऐड करें बिल्कुल हीट को आपने लो कर देना और विस्क की मदद से चलाते जाएं, घुटियां वगैरह बिल्कुल नहीं बनेंगी, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का कस्टर्ड बनेगा। ये देखिए, चलें अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। चलिए एक बड़ा सा हमने बाउल ले लिया, उसके अंदर हम डाल देंगे 200 ml क्रीम का कस्टर्ड। तो हमारा रेडी हो गया, ठंडा भी हो गया अच्छे से। मैं बार बार इसको विस्क की मदद से सारा मिक्स कर रही थी कि कोई भी इसके ऊपर लेयर वगैरह ना बने, जो जमी हुई बन जाती है। देखिए कितना स्मूथ और कितना जबरदस्त सा कस्टर्ड हमारा ठंडा हुआ है। चले इसका जल्दी से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो दूसरे बाउल में हमने क्रीम ली थी उसको विस्क की मदद से अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। ये देखिए 1 से 4 मिनट तक अच्छे से आपने विस्क से इसको बीट करना है। जब आपकी क्रीम अच्छी से थोड़ी सी मिक्सअप हो जाए, मजेदार सी रेडी हो जाए, तो हमने जो कस्टर्ड बनाया हुआ था ये इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। क्रीम और कस्टर्ड को अच्छे से हमने जब मिक्स कर लिया, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मैंने जेली ली थी, रफान की जेली ली थी, उसको अच्छे से कुक करके फ्रिज में रख दिया था। अभी सारी जेली हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलो अब जेली को हमने विस्क की मदद से हल्का हल्का सा यूं मिक्स करना है कि क्रश्ड हो जाए पूरी जेली। ये देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा जेली डेजर्ट कितना जबरदस्त सा रेडी हो गया। ये देखिए अब हमने इसको स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना। ये स्ट्रॉबेरी जेली डेजर्ट खाने के लिए तैयार हो चुका है, कितना क्रीमी और कितना रिच सा बना ये देखिए। बस इसको थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसको एंजॉय करें, आपकी फैमिली में इसकी वाह वाह हो जानी आपने एक दफा ये रेसिपी ट्राई करनी। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चले आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।